Okay, so here is my new module, relative motion module 01. We are just starting the relative motion. सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे रिलेटिव मोशन होता क्या है. रिलेटिव मोशन दैट इज मोशन ऑफ वन बॉडी एज सीन बाय द अनदर बॉडी और मोशन ऑफ वन बॉडी एज सीन बाय द अनदर रेफरेंस फ्रेम विच इज एट रेस्ट. इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ वन बॉडी एज सीन बाय द अनदर बॉडी एज सीन बाय द अनदर बॉडी या कोई दूसरा रेफरेंस फ्रेम जो कि रेस्ट पे हो. छोटा सा एग्जाम्पल लें. मैंने कहा कि ये ए है, ये वी ए स्पीड से इधर जा रहा है. वी ए आपका है 20 मीटर पर सेकेंड. हम कह रहे हैं कि ये बी है, बी इधर जा रहा है वी बी से और वी बी है 15 मीटर पर सेकेंड. अब आप देख सकते हैं कि जो ए है वो बी से फास्टर है. अगर हम एज्यूम करें एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 20. एक डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 15. तो एक सेकेंड में ये जो ए है वो बी से 5 मीटर आगे हो गया, है ना. तो ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा सर? इंक्रीज होता जाएगा. हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी. कितना आगे हुआ था वो? 5 मीटर. कितने सेकेंड में? एक सेकेंड. 20 i cap माइनस 15 i cap, ये कितना हो गया? 5 i cap. इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी. ओके सर, कुछ भी मतलब. मैं कह रहा हूँ कि ये ए है, इसकी वेलोसिटी कितनी है सर? वी ए. मैं कह रहा हूँ कि ये बी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है सर? वी बी. तो मुझे निकालना है वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. तो क्या लिखूँगा सर? वी ए माइनस वी बी. क्या जाएगा? वी ए आई कैप माइनस ऑफ माइनस वी बी आई कैप. क्या हो गया सर? वी ए प्लस वी बी आई कैप. अगर जो वेलोसिटीज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर दीजिए. लाइक दिस, ये ए है, ये वी ए है, ये बी है, ये वी बी है. वेलोसिटीज अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या कर दीजिए सर? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी आई कैप. आप उल्टा भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए. क्या लिखेंगे? वी बी माइनस वी ए, वी बी आई कैप माइनस का, सॉरी ये तो ठीक है, वी बी आई कैप माइनस वी ए आई कैप. सो वी बी माइनस वी ए आई कैप, या माइनस नहीं आएगा. सो सिंपली, अगर इन सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर दीजिए. कोई बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है. दैट इज हाउ वी विल डील विद रिलेटिव वेलोसिटी. हाउ वी विल डील विद रिलेटिव वेलोसिटी. एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन देखिए. ए थीफ इज रनिंग अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड एट 9 मीटर पर सेकेंड. हमेशा क्वेश्चन पढ़िए, फिगर बनाइए और आगे चलिए. ए पुलिसमैन चेजेस थीप ऑन ए मोटरसाइकिल एट 12 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे तो पुलिसमैन हो गया सर, यहाँ पे क्या हो गया सर? थीप. ओके, इसकी वेलोसिटी कितनी है सर? 12 मीटर पर सेकेंड. थीप की कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड.
दोनों के बीच डिस्टेंस कितना सर? 120 मीटर। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पुलिसमैन टू केस द थीफ? एक्सेलरेशन तो है नहीं। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विद रेस्पेक्ट टू थीप, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप, 12 आई कैप माइनस 9 आई कैप कितना हो गया? 3 आई कैप। डिस्टेंस कितनी है? 120। तो समय कितना लगेगा? 120 बाई 3 दैट इज 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में जो पुलिसमैन है वो चोर को पकड़ लेगा। सी अनदर एग्जाम्पल, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल लेना है। ऑन ए स्ट्रेट रोड साइक्लिस्ट आर राइडिंग वन आफ्टर द अदर एट ए सेपरेशन ऑफ 30 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये साइक्लिस्ट है, ये कितना सर? 30 मीटर। ये कितना सर? 30 मीटर। स्पीड कितनी है सर? 10 10 10। ओके, इन द सेम डायरेक्शन बॉयज आर रनिंग एट अ सेपरेशन ऑफ 20 मीटर, दीज आर बॉयज। ये स्पीड कितनी है सर? 5। ये भी कितनी है? 5। ये भी कितनी है? 5। इफ एन ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन है, इफ एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ आ रहा है वी नॉट, है ना, फाइंड हिज स्पीड सो इट विल मीट ईच साइकिल एंड बॉय टूगेदर। अब जरा देखो इस ओल्ड मैन की साइक्लिस्ट और बॉयज, सो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद ओल्ड मैन कितना हो जाएगा सर? जोड़ दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में 10 प्लस वी नॉट। वेलोसिटीज ऑफ बॉयज विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन जोड़ दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में। अब यह क्या कह रहा है कि जो ओल्ड मैन है वो साइक्लिस्ट और बॉयज दोनों को एक साथ मिलता है, मतलब ये डिस्टेंस 30 मीटर कवर करने में जो टाइम लग रहा है ओल्ड मैन को विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है किसको? ओल्ड मैन को विद रेस्पेक्ट टू बॉय, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज टाइम कवर्ड बाय ओल्ड मैन विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज इक्वल्स टू टाइम कवर्ड बाय ओल्ड मैन विद रेस्पेक्ट टू बॉयज मस्ट बी इक्वल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस कितना है सर? 30 साइक्लिस्ट के लिए। वेलोसिटी कितनी है सर? 10 प्लस वी नॉट। डिस्टेंस कितना है सर? 20। वेलोसिटी कितनी है सर? 5 प्लस वी नॉट, सॉल्व कर लीजिए, 15 प्लस 3 वी नॉट, 20 प्लस 2 वी नॉट, वी नॉट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो ओल्ड मैन है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी सर? 5 मीटर पर सेकेंड। आप कुछ नहीं कीजिए, क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, है ना, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। माय नेक्स्ट इज एन अनदर एग्जांपल। ए बॉय इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक बॉय है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है। ए स्कूटरिस्ट, ये बॉय है, ये स्कूटरिस्ट है, ये बॉय है, 80 मीटर बिहाइंड है स्कूटरिस्ट। कितने से मूव कर रहा है स्कूटरिस्ट? 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितने से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। इस स्कूटर वाले को ऐसी इच्छा चाहिए उसने कि वो इस बॉय को क्या करे सर? ओवरटेक करे। लेकिन इसकी स्पीड तो कितनी है? 5। तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी, तो मतलब इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा हमसे ये पूछा है, वो एक्सेलरेशन कितना होगा? ए बॉय इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। ए स्कूटरिस्ट 80 मीटर बिहाइंड मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन।
रिक्वायर्ड फॉर स्कूटरिस्ट टू डू दिस। ओके, इसको वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट बॉय कितनी हो जाएगी सर? 5 i cap माइनस 10 i cap माइनस 5 i cap माइनस 5 i cap। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 80। एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 square। एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 square। टाइम दे रखा आपको 100 सेकेंड। एक्स कितना सर? 80 माइनस 5 × 100 प्लस हाफ, और टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर 10,000/2 माइनस 500 580/5000 ये कट गया, ए 58/500 दो से मल्टीप्लाई कर लूँ 16, 116/1000 0.116 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.116 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, एक और एग्जांपल लेंगे इस मॉड्यूल में हम। दिस इज क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है, 3 elephants गिवन है, ए बी एंड सी आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन एज शॉन इन फिगर। स्पीड ऑफ ए इज 5 meter per second, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 meter per second, वेलोसिटी ऑफ सी इज 10 meter per second, स्पीड ऑफ ए इज दिस इन दिस, इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज डी एंड बिटवीन बी एंड सी इज ऑल्सो डी, वेन बी कैचेस सी, बी कैचेस सी तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी दैट इज वी बी सी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? वी बी सी, इसको मैंने वी बी बोल देना है, ये 10 है, वेक्टर मत लगाओ, वी बी माइनस 10। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है सर इसने? डी डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगा? बी से सी तक का, ये लग गया तुम्हारा डी अपॉन वी बी माइनस 10, डी अपॉन वी बी माइनस 10। ओके, व्हेन बी कैचेस सी सेपरेशन, बी कैचेस सी, सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में जो सेपरेशन है, वी ए माइनस वी सी दैट इज वी ए सी, कितना हो जाएगा सर? 5 - 10 कितना हो गया सर? माइनस 5। व्हेन बी कैचेस सी सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी बिकम 3D, पहले कितना था? 2D था, अब कितना हो गया सर? डी, तो टाइम कितना लगा सेपरेशन बढ़ने में बिटवीन ए एंड सी? डी अपॉन 5, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अब दोनों टाइम सेम है तो इसका मतलब क्या प्रभु? डी 5 डी अपॉन वी बी माइनस 10, डी से डी गया, वी बी इक्वल्स टू 15। कन्फ्यूज नहीं होना कि सर आपने माइनस 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टी ए सी इक्वल्स टू डी अपॉन माइनस 5, अब टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, आपने कभी सुना है कि टाइम नेगेटिव हो, तो हमने उसको पॉजिटिव कर दिया।